संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में गुजरात का नाम पाटन ना पोटोला साड़ी दांडिया तरनेतर मेला द्वारिका का उसका जन्मभूमि कुआं आदिवासी मेला अंबाजी में भद्रावी पूनम मेला रगन और पिथोरा चित्रकला के कारण देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आदि कवि के नाम से अलंकृत नरसिंह मेहता की भजन वरिष्ठ जनत तेन के जो पीड़ों पर आए जाने रहे। आज भी भारत की जनमानस में रोम रोम पुलकित करती है। मेरा सौभाग्य है कि लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन का अपार आनंद मिला था। ईसा पूर्व से सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा गुजरात। वाणिज्य और व्यापार में मेसोपोटामिया कुवैत तुर्की आदि पश्चिमी देशों से सदियों से जुड़ा रहा। यहाँ के कर्म और परिश्रमी लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में इसी देश का अग्रणी राज्य बनाने के साथ नव भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत कला में लोकतंत्र के हित में नारी शक्ति का साथ नारी शक्ति के साथ देखा भारत के इतिहास में आप लोग जो नया इतिहास सृष्टि करते जा रहे हैं। एक और भारत का नहीं पूरा विश्व में इतिहास रचेगा इसमें कोई दोहरा नहीं। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आभार प्रकट करके मैं आपके बड़े प्रोग्राम में जय जय भारत।